हेलो एवरीवन, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ अच्छा चटपटा सा बनाते हैं, कुछ नई रेसिपी ट्राई करते हैं। तो चलिए आज ट्राई करेंगे, केला ले लेंगे पका हुआ और हरी मिर्च, एक प्याज कट करेंगे, धनिया पत्ती हो तो ना हो तो स्किप कर सकते हैं, और हम चने का बेसन ले लेंगे। इन सारी चीज़ों से आज हम बनाएंगे पकौड़ी, वो भी नए तरीके से बिना उबाले, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे केले को उबाल के बनाया जा रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं बिना उबाले क्यों ना थोड़ा सा अलग ट्राई किया जाए। तो ये केले का छिलका इस तरीके से निकाल लूँगी दोनों साइड से, इस तरीके से छिलके निकाल के साइड कर देना है, छिलके को नहीं हमें लेना है। तो दोनों केलों के मैंने दो ही केले लिए थे, बट थोड़ा सा ही बनाना था, ज़्यादा नहीं बनाना था, तो मैंने सोचा ट्राई किया जाए, क्योंकि मैं भी पहली ही बार बना रही थी। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे कि उबाल के बनाया जाता है, तो मैंने इसी तरीके से पके हुए केले को इस तरीके से ग्रेट कर दिया, इस तरीके से बिल्कुल ये से बिल्कुल बारीक सा एकदम बहुत ही स्मूथ सा बन गया था। उसके बाद मैंने क्या किया, इस तरीके से ग्रेट करने के बाद प्याज ऐड किया, प्याज ऐड करने के बाद हरी वाली मिर्च इसमें ऐड किया। आपको तीखा जितना चाहिए उतना ऐड कर सकते हैं। तो हरी वाली मिर्च और धनिया पत्ती, और ये मैंने एक कटोरी मेजरमेंट वाले कप से एक कप बेसन लिया, और ये थोड़ा सा गरम मसाला, काश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, फिर एक पैकेट मैंने ये मैगी मसाला ऐड किया। बहुत ही चटपटा सा स्वाद आया था, यकीन मानिए बच्चे तो खा गए, उन्हें पता ही नहीं चला। मम्मा केले की भी पकौड़ी बना के खिला दी हम लोगों को। तो पहले तो मैंने नहीं बताया था, अगर मैं बता देती तो बच्चे नहीं खाते, तो मैंने बताया नहीं, और बच्चे खाने के बाद मैंने बताया कि ये केले की पकौड़ी थी, बट बेटा बोला मम्मा पता ही नहीं चला कि ये केले की पकौड़ी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो इस तरीके से बिल्कुल जिस तरीके से पकौड़ी का बेसन आप गूंथते हैं, इस तरीके से हाथों से ही मैंने गूंथ लिया था। हाथों से गूंथना मुझे आसान लगता है, तो इस तरीके से मैंने हाथों से ही गूंथ लिया था। उसके बाद कढ़ाई में लूँगी तेल। तेल जब हम ले लेंगे तो तेल हमारे पूरी तरीके से गर्म होने चाहिए, और हाथों में हल्का सा तेल लगा के इस तरीके से इसका शेप दे देना है, बिल्कुल पकौड़ी की तरह। हाथों में तेल लगा लगा के इसमें ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल हाथों में आपके चिपकेंगे नहीं। तो सारी पकौड़ियाँ मैंने इस तरीके से तेल में ऐड कर दी थी, बट आपके पास अगर फ्राई पैन वाला वो हो तो उसमें ऐड करेंगे तो वो इस तरीके से तेल पूरी तरीके से फैल जाता है, तो उसमें ढेर सारी पकौड़ियाँ आ जाती हैं। तो मुझे कढ़ाई में ही तलना अच्छा लगता है, तो मैंने इस कढ़ाई में इस तरीके से साइड साइड से सारी पकौड़ियाँ ऐड कर दी। उसके बाद उलट पलट के इस तरीके से सेक लिया। ध्यान रहे कि गैस लो फ्लेम पे रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये बहुत तेज़ पकड़ने लगेगा और इसका कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपकी पकौड़ी जल गई है। तो मैंने थोड़े से गैस को स्लो पे रखा था, सॉरी। और इस तरीके से अच्छे से दोबारा से मैंने इसमें ऐड किया, दोबारा से भी वही तरीका अपनाया, सेम हाथों में पानी लगा के इस तरीके साइड साइड से उठा उठा के इस तरीके से ऐड कर दिया। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी ये पकौड़ी बनी थी, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये पकौड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। तो ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ बन के रेडी हो गई है, तो चलिए फटाफट आ जाइए, इसे मिल के खाया जाए और इन्जॉय किया जाए। तो इस तरीके से आप भी घर पर बनाएं, यकीन मानिए आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। अगर पके हुए केले घर में हैं, अगर आपके ज़्यादा पके हुए केले हैं, तो आपको इस तरीके से ग्रेटर में ग्रेट नहीं करना पड़ेगा, बस हाथों से ही मसल के आपकी पकौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बन जाएंगी। आप इसके साथ तीखी वाली चटनी खाइए या फिर सॉस लीजिए, जिसके भी साथ आप खाएंगे बहुत ही अमेजिंग सी बनती है, और इसके साथ चाय मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बारिश के मौसम में इस तरीके की पकौड़ियाँ मिल जाएँ तो हर कोई बहुत ही खुश हो जाता है। तो बताइए ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली रेसिपी में कुछ मज़ेदार लेके मिलती हूँ, तब तक के लिए इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए अगली रेसिपी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।